नाड़ी विज्ञान को समझकर आप अपना और लोगों के रोग का पता लगा सकते हैं और साथ में अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। सभी लोगों को अपनी नाड़ी और दूसरों की नाड़ी को चेक करना अवश्य आना चाहिए, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके शरीर में किसका प्रकोप सबसे ज्यादा है। पहले के लोग सिर्फ नाड़ी को छूकर ही आपके शरीर के सभी रोगों के बारे में बता देते थे। तो चलिए, नाड़ी परीक्षण कैसे करते हैं उसे जानने से पहले हम यह जानते हैं कि नाड़ी विज्ञान कार्य कैसे करता है। शरीर का स्वस्थ रहना या रोगग्रस्त रहने का सीधा प्रभाव हमारे हृदय की गति पर पड़ता है। हृदय की गति का प्रभाव हमारे धमनियों की धड़कन पर पड़ता है और इसी धड़कन को छूकर हम अपने शरीर का जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नाड़ी परीक्षण कैसे किया जाता है। ज्यादातर आयुर्वेदा आचार्य मानते हैं कि पुरुष के दाहिने हाथ की नाड़ी परीक्षण करनी चाहिए और स्त्री के बाएं हाथ की नाड़ी परीक्षण करनी चाहिए, यानी कि नाड़ी की गति को देखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हाथ की नाड़ी को देखने के बाद ही रोग के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाती है। नाड़ी परीक्षण के लिए हथेली बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और कोहनी कहीं भी मुड़नी नहीं चाहिए। इसके बाद हथेली से आधा इंच नीचे की ओर नाड़ी परीक्षण करना चाहिए, अर्थात हथेली से आधा इंच नीचे छोड़कर आप अपने तीनों उंगलियों से नाड़ी की गति को देखिए। इसके लिए आप अपने तीन उंगली, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उंगलियों को आपस में सटा ले, बाकी के बचे अंगूठा और कनिष्ठिका को इन तीनों उंगलियों से दूर रखें। इन तीनों उंगलियों को आपस में सटाकर रोगी के हथेली के आधा इंच नीचे नाड़ी को स्पर्श करने की कोशिश करें। हमेशा चिकित्सकों अर्थात जो नाड़ी की गति को देख रहा है उसे अपने दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आप इन तीनों उंगलियों से रोगी के नाड़ी की गति को नाप लें। जब आप इन तीनों उंगलियों से रोगी के नाड़ी की गति को नाप रहे हैं तो इन तीनों उंगलियों का दबाव बिल्कुल सामान्य मात्रा में होना चाहिए, अर्थात तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों को हल्के से दबा के रोगी के हाथ पर स्पर्श करें। धमनियों की सही गति को जानने के लिए आपको बार बार तीनों उंगलियों को हटाकर और पुनः स्पर्श करके गति को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर आप तीनों उंगलियों को समान गति से स्पर्श करा रहे हैं और उसमें तर्जनी उंगली यानी कि आपकी पहली उंगली पर धड़कन का दबाव पड़ रहा है, इसका मतलब कि रोगी को वात दोष की प्रधानता है, यानी रोगी वात दोष से ग्रसित है। वात दोष अर्थात गैस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मध्यमा अर्थात बीच वाली उंगली पर गति का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है तो रोगी के शरीर में पित्त की अधिकता ज्यादा है, यानी वह पित्त दोष से ग्रसित है। अब अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर पर दबाव का अनुभव ज्यादा पड़ रहा है तो रोगी को कफ दोष की प्रधानता है, यानी वह कफ दोष से ग्रसित है। नाड़ी परीक्षण हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए, यानी सुबह सुबह उठने के बाद अगर नाड़ी परीक्षण होता है तो इसका रिजल्ट अच्छा माना जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद नाड़ी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए नाड़ी परीक्षण हमेशा खाली पेट ही करना उचित माना गया है। परंतु ज्यादा अनुभव होने के बाद आप किसी भी समय नाड़ी को चेक कर सकते हैं और उसका सही निर्णय निकाल सकते हैं। नाड़ी की गति से लोगों के रोग के बारे में कैसे पता लग सकता है, चलिए कुछ चीजें हम जानते हैं। बुखार में नाड़ी की गति तीव्र गति से चलती है। अगर आप गुस्सा हैं तो भी नाड़ी तेज गति से चलेगी। डर और चिंता में नाड़ी धीमी गति से चलने लगती है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो आपकी नाड़ी छूने पर बहुत ही धीमी सी महसूस होगी, यानी नाड़ी में स्पंदन बहुत ही धीमा धीमा महसूस होगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपकी नाड़ी अनियमित रूप से अलग अलग स्पंदन करेगी, यानी स्पंदन की रेशियो हमेशा अलग अलग होगा, कभी धीमी कभी तीव्र, तो कभी नाड़ी का पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको नाड़ी परीक्षण करना है तो उसमें आपको काफी अनुभव होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी की भी नाड़ी को चेक कर उसकी प्रेजेंट स्थिति को जान सकते हैं। वैसे तो नाड़ी का परीक्षण हम अपने हाथ के नाड़ी से ही पता लगाते हैं, परंतु बहुत से स्थितियों में हम अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न जगहों के नाड़ी को परीक्षण करके रोगी के रोग को जानने का प्रयत्न किया जाता है।
नाड़ी परीक्षण सच में एक अद्भुत कला है जो समय के साथ विलुप्त होता जा रहा है, परंतु दोस्तों हमें इसे अवश्य बचाना चाहिए। हम सभी को नाड़ी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, इससे हम अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए नाड़ी परीक्षण को हमें सबसे पहले अपने आप पर चेक करना चाहिए, फिर दूसरों का भी नाड़ी का परीक्षण अवश्य करें, उसे समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों नाड़ी विज्ञान में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? नाड़ी विज्ञान के बारे में अगर आपका कोई राय है या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नाड़ी विज्ञान के बारे में और भी कोई जानकारी आपके पास अगर हो तो आप अपनी जानकारी हमें अवश्य दें, जिससे और लोगों को भी इससे फायदा हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।